बैठ गया बैठ गया बैठ गया, क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो गया मैं, हमारे भीम ने उसको घेर लिया। और मैक्स 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 दोस्त यार, वो सामने आप नेस्ट देख रहे हैं ना, ये दो दो नेस्ट है और ईगल के हैं और इसके अंदर बेबी भी पड़े हुए हैं। वो चेक करो यार, ये ना अपने बेबी के लिए ना खाना लेने के लिए जा रही है शिकार करने के लिए। यार हम ना वहाँ पे चढ़ नहीं सकते क्योंकि यार काफी ऊंचे और ये खुश दरख्त है। यार मेरा बहुत दिल करता है कि हम इस दरख्त के ऊपर चढ़े और इनके बेबी उठा लें। वो चेक करो यार, इसके अंदर कन्फर्म बेबी पड़े हुए हैं और ऊपर वाले नेस्ट में भी बेबी पड़े हुए हैं। लेकिन यार हम इसके ऊपर ना चढ़ नहीं सकते क्योंकि यार जिंदगी मौत का सवाल है। ये दरख्त खुश्क हुआ है और ऊंचा काफी है, बंदा गिर भी सकता है। यार दोस्त यार, ये जो बंदे बैठे हुए ना, इनको पता नहीं कौवे का कहां से ढांचा मिल गया। मैंने कहा इसको दफना देते हैं, लेकिन इनके बचपन का जो शैतान है ना वो जाग गया है। कौवे के ढांचे को पकड़ के ना धागा बांध दिया और इसको घुमाने लगे हैं। यार बहुत सारे यहाँ पे कौवे जमा होने वाले हैं, तुझे मिला तुझे आज हजारों कौवे इकट्ठे करके दिखा। ओ भाई इस तरह की हरकतें हमने भी की है, मुझे पता है जमा हो जाते हैं। अभी एक कौवा भी आपको नजर नहीं आ रहा ना, अभी कारी इसको घुमाएगा और यहाँ पे काफी कौवे जमा होने वाले हैं। वजह तो पूछ क्या बना इसके साथ, हुआ क्या था इसके साथ में, कौवे ने बिट गई है, ये सारे कौवों का पीछे पड़ा खड़ा क्या था। यार नहीं है, झूठ बिट कहाँ गई, चाट लिया ही अभी है और नहा के आया हूँ यार, मजबूरी इतनी सर्दी है मुझे नहाना पड़ा है। दोस्तों यार कारी ना कौवे को घुमाना स्टार्ट कर दिया और कौवे का ऊपर पूरा खानदान जमा होना शुरू हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे कौवे जमा होने वाले हैं। कारी यार ना तंग कर यार कौवों को, नहीं इन्होंने मुझे तंग किया है, मैंने इनको करना तंग था। देख कितने ज्यादा कौवे जमा हो गए यार, बस कर बहुत है। ओ गया ही, ओ गया ही, ओ गया ही, गिराएगा गिराएगा तुझे गिराएगा। ओए इधर आ मुझे बैठने तो दे, ओए ओए बैठ गया बैठ गया बैठ गया, क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा जलील है यार। मैं ऊपर यार कट्टे के ऊपर बैठा हूँ, पीछे से ना उसको डंडे मारने लग गया। मैं आज का व्लॉग ना कट्टे के ऊपर राइड करके स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन यार उसने खप डाल दी है। यार ये वाले हमारे बजट पेट्स के बेबी को क्या हुआ यार, ये तो मुझे बेबी लग रहा है और काफी उदास पड़ा हुआ है। इसको क्या हुई है यार, तुम्हें क्या हो गया, क्या हुआ है यार। हमारे पेट्स के जो बेबीज है ना वो बड़े होके बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। इधर यार तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है, वो देखिए यार इससे ना सही से चला भी नहीं जा रहा और ये भी छोटे वाला बेबी है। इस डोले में जो बेबी थे ना, मैंने तीन आपको पहले दिखाए थे, वो बाहर आ गए। क्या बात है यार, उनमें से एक ये वाला है, लेकिन इसके पाँव को क्या इशू है। इधर तो आओ, इधर आ जाओ यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ वसीम यार, एक मिनट इधर आई, इसको पकड़ी यार। इसका पाँव मैंने चेक करना, मजदूर तो नहीं है पाँव से कहीं। यार ये फ्लाई ना कर जाए। नहीं नहीं ये फ्लाई नहीं करता, छोटे वाला बेबी है, दिखा बैक कर इसको ऐसे ऐसे ऐसे। ओ तेरी हुई हुई, ये क्या हुआ यार, इसके पाँव पे ब्लीडिंग हुई हुई है ना, काट रहा है। यार ना काटो यार, तुम तो छोटे से बेबी हो, काटना कहाँ से सीख लिया है। ये तो मुझे पकड़ा दे यार, इसके पाँव पे कुछ तो इशू है यार, इस वजह से ये सही से चल भी नहीं रहा, ब्लीडिंग हुई हुई है। यार ना काटो यार, ये तो काट रहा है हमें। ओ तेरी खैर यार, ये तो चोट लगी हुई है, मुझे लगता है ये अंदर ना आपस में फाइट करते हैं ना यार। ट्रीटमेंट करने वाला ही खुश्क हो गया है, नहीं अब तो खुश्क हो गया इसको। चल इधर ला इसको ना, एक साइड पे छोड़ देते हैं, ये डोली में छोड़ दें यार इसको। मैं कहता हूँ डोली में छोड़ दें, मेरे ख्याल से बाहर ही छोड़ दो। हाँ बस बाहर ही छोड़ देते हैं, खोली यार। यार लड़ा ना करो यार, पता नहीं इसको कौन मारता रहता है। इधर उतर जाओ। दोस्तों हम अपने पैर डोली में आए गए हैं, बाकी डोली में भी चेक कर लेते हैं, उसमें बेबी थे छोटे छोटे थे, अब देखते हैं उनके पर वगैरह आए हैं कि नहीं। वो सामने वाली डोली में चेक करते हैं, इसमें पहले पांच पांच पड़े हुए थे। ओए क्या बात है यार, पांच के पांच है, बड़े कितने हो गए यार, इनके तो कलर भी आ गए हैं। इसमें भी देखते हैं, ओए क्या बात है यार, इसमें भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं, और इस वाले में भी देख लेते हैं। ओए तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम तो बाहर आ जाओ यार, तुम्हारे बहन भाई बाकी सारे बाहर आए हुए हैं, बाहर आ जाओ। और ये लास्ट रहेगी, इसमें देख लेते। ओए क्या बात है यार, अंडे में से बेबी निकला है वसीम। ओए सही पता, हाँ वो देख दो दो तीन तीन बेबी निकले हुए हैं, क्या बात है यार, इसमें पहले हमने अंडे देखे थे, बेबी निकला है। दूसरी यार पैर को चेक करने का ना हमें फायदा हुआ है, हमें एक और गुड न्यूज मिल गई है, उस डोली में ना अंडे पड़े हुए थे, अब माशाल्लाह बेबी निकल आए हैं। ये भी छह सात दिन बाद ना इनके पर आ जाएंगे और कलर भी आ जाएंगे। और इधर हमारे उल्लू के बेबी है, रात को बारिश आई थी और थोड़ी सी सर्दी भी बन गई थी, इस वजह से हमने इनको ना अच्छे तरीके से कवर कर दिया था ताकि इनको सर्दी ना लगे। ये चेक करो यार, हमारे उल्लू की बेबी भी काफी बड़े बड़े हो गई हैं। ये देखो यार आराम से रेस्ट कर रहे हैं, ये इनको दिन में नजर नहीं आता ना, इस वजह से यार इस तरह ना मुंह नीचे गिरा के पड़े रहते हैं। ये चेक करो यार कितने बड़े बड़े हो गए हैं। उधर तो आ यार, ये तो फ्लाई करेंगे, फ्लाई करेंगे, इनके पर आ गए हैं। इसको बाहर उठाते हैं, इस बड़े वाले को बाहर लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ, मेरे हाथ पे बिठा। इनको अपने ना हैंड टेम करना है, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तीन तीन उल्लू के बेबी हैं, तीनों को हैंड टेम करेंगे। इधर आओ यार मेरे हाथ पे आ जाओ, इनके पंजे काफी इनके लिए लगते भी हैं। इनको जब मैं फीड करवाता हूँ ना, मेरे हाथ जख्मी हो जाते हैं यार, बड़े जोर जोर से ये पंजे मारते हैं। आज यार इधर आओ मेरे हाथ पे तो आओ, ये देखो ये पर तो बड़े आ गए हैं। दोस्तों यार आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है, जो हमारे पास तीन तीन उल्लू है इनके हमें पर कट करने चाहिए कि नहीं, ये ना यार ये बड़े और फ्लाई कर जाएंगे। इनको फ्लाई करवा के देखें, नहीं यार ये फ्लाई कर जाएंगे यार, ये बच्चे हो जाएंगे, नहीं उड़ते यार, तू आना ना फ्लाई करवाई, ओए ज्यादा ना फ्लाई कराई। वो गया, वो गया, मैंने तुझे कहा था ना, वो गया, वो गया, तेरी नीचे चला गया,
यार वसीम तुझे मैंने कहा था, वो देखो यार कहाँ चला गया, वो तेरी बैठ गया जल्दी चल यार। उसको मैंने मना भी किया था ना फ्लाई कराई, वो सामने जाके गिरा, शुक्र है यार ज्यादा फ्लाई नहीं किया। ओए उल्लू के पट्टे कहाँ गए हो यार, इधर तो आया था कहाँ चला गया। ओए होए यार मुझे लग रहा है यहाँ से ना भाग गया है वो। उल्लू उल्लू के पट्टे कहाँ चला गया यार तू। ओ भाई ओए हेलो हेलो क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो। उल्लू का बच्चा आया इधर पीछे तुम्हारे यहाँ, देखा तुम लोगों ने? जल्दी आई यार ढूंढवाई, जल्दी आओ यार जल्दी आओ, अभी गिरा यार। ओए वसीम तू क्या तमाशा देख रहा है, तू भी यार ढूंढवा मेरे से, सारा फंसवा दिया जल्दी आ। ओ इधर ही आके गिरा, पता नहीं कहाँ चला गया यार। अभी मैंने वीडियो देखी है यहाँ का, बता रहे हैं कि यहाँ पे गिरा है, तो यार ढूंढो यार जल्दी जल्दी यार, ये ना मिला ना मसला हो जाएगा हमारे पास, बाकी दो बच जाएंगे। उसको मना भी किया था कहाँ पे, तेरी खैर। ओ यार तू कैसे छुप के बैठ गया, उल्लू के पट्टे इधर आ यार, देखो यार इसके काम चेक कर लो, कितना छोटा था और छुप के कैसे बैठ गया। इधर इधर यार, अपने पेट हाउस में लेके जाता हूँ यार, तू तो भाग ही गया, अभी तो हमने इसको हैंड टाइम करना यार, फिर हमें कितना तंग करेंगे। पत्थर को क्यों उठा लिया, पत्थर खेच इसके हाथ से, पत्थर खेच, डर लग रहा है यार, इसने पत्थर को कैसे पकड़ लिया, पत्थर तो छोड़ दे यार, ये समझ रहा है कि मेरा हाथ है इसलिए इतने जोर से पकड़ा है। छोड़ दिए, इसके पंजे काफी नकेले हैं यार। चल यार तू अपने पेट हाउस में लेके चलो, इसको ना इसके बाकी बहन भाई के पास छोड़ देते हैं। चलो यार अब तुम लोगों को ना तंग नहीं करना। वसीम यार तू ये कहा भी था ना फ्लाई करा, फिर तूने करा दिए। यार ये बच्चे देखने से लगते हैं लेकिन है फुल है, पर नहीं देखे कितने बड़े बड़े इनके पर है, सुपर से ना बंद कर देते हैं। यार तुम लोगों ने हमारे पेट हाउस से कहीं भी नहीं जाना ठीक है ना, यही परमानेंट तुम लोगों ने रहना है। और वसीम यार मास्टर के में जाएंगे, देखते हैं चुटकी ने कोई अंडा तो नहीं दिया। जाए इसको ना मास्टर के में भेजते, जो हमारा भीम है ना, कोई भी नया बंदा आता है ना उसके पीछे लग जाता है। देख दिए वह, ओ तेरी, ओ हमारे भीम ने ना उसको घेर लिया, दरवाजा बंद कर देता। ये तो ये सजा दे रहा हूँ जो तूने उल्लू को फ्लाई कराया है। हमारा यार हमारा बेटा क्या हुआ है यार, बड़ा खतरनाक है यार ये हमारे पेट हाउस का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है, इतनी हमारे मैक्स और रोकी सिक्योरिटी नहीं करते जितनी हमारा भीम करता है। कोई भी नया बंदा आता है ना इस तरह उसके पीछे लग जाता है। गुड यार भीम ऐसे ही करते रहो, अब मैं इसके पास जाऊंगा ना मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। यार तुमको तो मैंने पाल लिया है माशाल्लाह, इतना बड़ा नौजवान किया है, मुझे तो कुछ नहीं कह रहा है। क्या भाई कबूतर अंदर गया यार, और ना निकाली इसके अंदर होल के अंदर ना एक कबूतर रहता है हमारा। नहीं यार हाँ सच्ची निकाली ना उसको बाहर, हाथ में आ गया। चल निकाल बाहर निकाल, व्हाइट कलर का होगा। ओए क्या बात है यार, ये ना होल के अंदर ही रहता है। इसने फिर अंडे भी दिए होंगे नीचे, शायद हो सकता है अंडे दिए। अंडे निकालूं? ना ना अंडे ना निकाल, और नीचे रैबिट्स के बेबी हैं वो ऐसे डिस्टर्ब होंगी, छोड़ दे इसको। इसने दिए रैबिट्स के बेबी? और नहीं इसने दिए, ये देते हैं। अच्छा, इसको ऐसे छोड़ दे, ये खुद ही होल के अंदर चल जाएगा, क्या पता यार इसने अंडे दिए। जाने दे क्यों पकड़ रहा है उसको, कबूतर के पीछे लगा रहता है जब भी हमारे पेट हाउस में आता है। कबूतर यार एक मुझे पिजन पसंद आया वो दे दे। पहले तुझे मैंने किंग पिजन दिया था, तू मार के ले आया था, अब तुझे कुछ भी नहीं देना। ओए दोस्तों हम अपने मैक्स को रोकी को लेके चलते हैं नहर पे, वहाँ पे जाके इनको नहलाते हैं और इनकी वहाँ पे वॉक भी हो जाएगी। चलो यार मैक्स तुम्हें नहलाने के लिए लेके चलते हैं, खड़े हो जाओ आराम से यार, मैक्स आराम से यार, इसको मैंने नहाने की बात किया ना इसकी काफी बेचैन हो गई है। जा यार कारी ऊपर से ना रोकी को लेके नहलाते हैं। हाँ रोकी को ले। घोड़ी ओ तेरी, ये घोड़ी कहाँ से आ गई है? ओए होए यार ये हमारे पेट हाउस की। मैक्स यार इधर आ, तुझे क्या हो गया? ओए होए क्या बात है यार। मैक्स यार घोड़ी कुछ कहना नहीं है, ये कहाँ से आ गई और ये बंधी हुई है? ये मैंने बांधी है। तूने बांधी है? मैंने बांधी है। आई कहाँ से आई है यार? पता नहीं कब से यहाँ फिर रही थी पीछे। ये तो ये पागल ही हमारे साथ वालों घर वालों की है। तो ये यहाँ हुए कैसी आ गई है? इसकी भी है, अब हमारे पेट हाउस में रहे। और जान दे परे, मैं बताता हूँ जाके उनको। और रुको उनको बता दे वो ले जाए इधर से, हम कौन सा खाने लगे हैं। यार ये अजीब बात करता है यार, तू बात किस तरह करता है? ओ यार उस बात को छोड़, अपने घोड़ी को क्या करना है? हम घोड़ी को खा रहे हैं यार, तमीज उसको नहीं है यार। और जा यार तू उनको बता दे घोड़ी ले जाए। दोस्तों यार हमारे पेट हाउस के बाहर ना घोड़ी आई है और वसीम ने इसको बांध लिया है। कितनी प्यारी घोड़ी है, यहाँ पे ना खाना खा रही है, आज फर्स्ट टाइम ही आई है। तो यार अपन इसको रखना क्यों, पहले खोता रखा था तो याद है ना, अगले दिन फड्डा हो गया था, इसको अपन रखते नहीं है, इसको मैं ना छोड़ देता हूँ। मैं बताता हूँ जाके। ओ हम रख रहे हैं, जा तू ले जा इसको, यार तू ले जा तू जितना है। तो यार उसके काम तो देख, पता नहीं कौन सी बात करता है। और छोड़ यार मैं घोड़ी को ना छोड़ने लगा हूँ। चले यार जाओ यार, जहाँ से आइए तुम ना वहाँ पे चल जाओ, ये हमारे मैक्स के बांधने की जगह है। अभी हम इसको नहलाने के लिए लेके जा रहे थे, हमारा मैक्स कितना शरीफ है, मैंने इसको छोड़ भी दिया फिर भी कहीं जा नहीं रहा। गुड हो गया यार मैक्स, घोड़ी जा जा यार, क्या कर रही है, खाना खाई जा रही है, सारा हमारा पेट हाउस का चारा खराब कर दिया तूने। चलो
ले जा इसको, जिसकी भी है दे दे, उनके हवाले कर दे। उनसे जाके ना आइंदा इधर आ गई तो हमने ये देनी नहीं है। उनसे जाके इनाम भी ली, उनको कहीं कि तुम्हारी गुम हुई थी, हमने मैंने पकड़ के दी है। आइंदा इधर आई ना, उन्होंने इसने हमारे बगीचों को नुकसान किया तो हम देंगे नहीं। चल जा ले जा इसको। मैं क्या करूं बता, मैं जा ले जा इसको। पकड़ इसको। मैक्स मैक्स मैक्स, ओ तेरी ऐसी की तैसी, मैक्स इधर आ तू। यार वसीम उल्टे काम क्यों करता है, उसको जान जान के ना हमारे मैक्स को ना छेड़ रहा था। ये देख। चल ले जा, ऐसे ही ले जा उनके घर ना। मैं नहीं के बाहर लेके जाता। यार घोड़ी का ना रस्सा टूट गया, कारी लेके जा रहा था, हमारा मैक्स को पता नहीं क्या हो गया था। यार तू छेड़ रहा था मैक्स को बार बार, इसलिए वो देखो यार उनकी घोड़ी कहाँ पे चली गई, ये खुद ही चल जाएगी उनके घर। इसने 300 का नुकसान करवा दिया। और ये रस्सी 300 की है। 300 और छोड़ यार, आज यार मैक्स तुम्हें ना नहलाने के लिए लेके चलते हैं। नहर की पुल पे आ गया हमारा मैक्स, इसको अब नहर में गिराते हैं। यार आज यार डर क्यों रहा है, जंप करो ना मैक्स। यार जंप क्यों नहीं कर रहा, ये हमने अपने मैक्स को जंप करवा दिया नहर में, अब इसको जल्दी जल्दी से नहलाते हैं, फिर रोकी की बारी भी तो है ना, जल्दी जल्दी यार नहलाओ। दोस्तों हमने अपने मैक्स को और रोकी को नहला के ना ऊपर छत पे बांध दिया, और मैक्स को यहाँ पे बांध दिया। देखो यार कितना खेल रहा है ठंडी ठंडी जगह पे, वहाँ पे उसने काफी ज्यादा खड्डा भी कर दिया, मट्टी साइड पे कर दिया, ये इधर ही खेलता रहता है। और आज का व्लॉग भी हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।